किया, उन्होंने ऐसा बताया कि उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं अकोला गया। वहां पर किसानों का एक चर्चा निकला, एक मोर्चा गया जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने, और उसके बाद जैसा होता है इन कार्यक्रमों में वैसे ही हुआ। पुलिस आई और पुलिस ने हम सब को गिरफ्तार कर दिया और उसके बाद वो हमको उठाकर वहाँ जो पुलिस लाइन है वहाँ आते हैं। हम लोग 3 दिन पुलिस लाइन में रहे, उसके बाद तीसरे दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय का फोन आया मेरे पास और मैंने उनसे कहा कि किसानों की जो मांगे हैं वो उचित हैं, वो जायज हैं और उन मांगों को आपको मानना चाहिए। और मुझे आश्चर्य हुआ जब एक संक्षिप्त टेलीफोन की बातचीत के बाद उन्होंने हमसे कहा कि हम वो सारी मांगे मान रहे हैं, तो मुझे बहुत संतोष हुआ। लेकिन मैंने प्रशांत गांधी जी को कहा कि टेलीफोन की बातचीत तो हम दोनों के बीच में है, लेकिन हम ऐसे यहां से नहीं उठेंगे जब तक कि जितनी मांगे हैं और उस पर महाराष्ट्र सरकार की का जो आश्वासन है वो लिखत पढ़त में नहीं है। तो उसके बाद कलेक्टर के साथ ये लोग बैठे और बाजार का एक समझौता हुआ जिसमें हर माह महाराष्ट्र सरकार ने अपनी सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी इनका कार्यान्वयन होगा। और जैसा प्रशांत जी कह रहे हैं कि 7 महीने हो गए और अभी तक एक ही कदम नहीं उठाया गया उन मांगों को कार्यान्वयन करने के लिए, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। इसलिए कंफ्यूज कि अब हमारे सामने क्या रहा, सरकार ने हम लोगों को जो मुक्त कराया साफ़ाई है उस समय तो समझौता कर दिया, लेकिन कोई नियम नहीं थी उस समझौते पर अमल करने और इसलिए आज तक अमल नहीं हुआ। और केवल वही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के बारे में ये पता चला है कि किसी भी आंदोलन से मुक्ति पाने के लिए आंदोलन कार्यों के साथ तुरंत समझौता कर, लेकिन समझौते पर फिर अमल नहीं करते हैं। और जब तक दोबारा और दोबारा आंदोलन नहीं है तब तक फिर किसी मांग पर काम आगे नहीं हो पाता। आज जो परिस्थिति है देश में उसमें एक तरफ हम देखते हैं कि सरकार के 4 साल के भीतर 2,72,000 करोड़ रुपया बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया, 2,72,000 करोड़ रुपया को उन्होंने राइट ऑफ कर दिया, यानी कि उसको अपने खाते से बाहर कर दिया। ये 2,72,000 करोड़ रुपया किसका था, इसने ऋण लिया था जिसको इतनी बड़ी मात्रा में बैंकों को राइट ऑफ करना पड़ा 4 साल के लिए। आप सब जानते हैं कि आज बैंकों के पास जिसको अंग्रेजी में NPA कहते हैं, जो कर्ज वापस नहीं किया जाएगा
नहीं किया गया उसकी म्याद खत्म हो गई, वो 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचे। और अभी अभी कल ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस साल ये जो संकट है बकाए कर्ज का, ये और गहराएगा, बड़ा होगा, हो सकता है 12 लाख करोड़ पर पहुंच जाए, 15 लाख करोड़ पर पहुंच जाए। और इसमें किसानों का कितना कर्ज है जो एनपीए बना है, मात्र 7 लाख, बाकी 7 का जो है वो बड़े बड़े लोगों का है, कॉर्पोरेट खजानों का है, और उनको वसूलने के लिए सरकार को जो बड़े कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा रहा है। बड़े बड़े लोग जो हैं वो आसानी से देश छोड़ कर बाहर चले जाए, अब बाहर उनके पास इतना अपराध पैसा कि सालों साल वहां पर रहते हैं, घूमते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, और देश का कर्ज यहाँ पर डूबा रहता है। बैंकों का पैसा किसका पैसा है? इस देश की जनता का पैसा है, किसी उद्योगपति का पैसा नहीं है। तो जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि आरंभ से शायद हम सब दोषी हैं कि कॉरपोरेट घराने और उद्योगपतियों के लिए जो पॉलिसी बनती है वो पॉलिसी किसानों के लिए नहीं बनती, और इसीलिए यहां पर जो मांग रखी गई कि कर्ज मुक्ति करो किसानों का, अपने आप में जायज बात है, लेकिन साथ ही साथ हमको यही सोचना पड़ेगा कि आज अगर मान लीजिए कोई ऐसी सरकार आए जो कहे कि ठीक है, हम किसानों के जितने कर्ज है सबको हमने माफ किया, हम जानते हैं कि इसके पहले की जो सरकार उसने 2008 में करीब 70,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ कर दिया, और विभिन्न राज्य सरकारें हैं जो आज भी माफ कर रही हैं, घोषणा कर रही हैं, लेकिन 2 साल के बाद, 5 साल के बाद फिर किसान उसी कर्ज में डूब जाता है तो कोई फायदा नहीं हो, फिर 5 साल के बाद कोई और आएगा हमारे स्थान पर, आपके स्थान पर, जो कहेगा किसानों की कर्ज माफी करो। इसलिए किसान कर्ज में डूबे ही नहीं, इसके लिए क्या होगा? एक जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है कि किसानों के पैदावार का 1.5 गुना मूल्य उसको मिलना चाहिए, अब उन्होंने उसका पूरा फॉर्मूला दिया है। अभी हमने अंतिम बजट में वर्तमान सरकार ने उस सिफारिश का जिक्र किया है और कहा है अगले रबी की फसल से हम उसको लागू करेंगे, लेकिन जो लागत है उसका फॉर्मूला क्या होगा इसके बारे में कोई सफाई नहीं, और जब तक कि लागत के मूल्य के बारे में सफाई नहीं होती है तब तक मुझे लगता है कि किसान लगातार ठगाई है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि किसान और उद्योग इन दोनों के बीच में एक टर्म्स ऑफ ट्रेड व्यापार का संतुलन वो कैसे हो, कैसा होना चाहिए। आपने कभी सुना है उद्योग कोई भी हो, उस उद्योग के बारे में सरकार कहती है कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लागत का जो ये है वो इस आधार पर होगा और उसमें ये शामिल नहीं, लेकिन किसानों के लिए वो बंदिश है। आपके ऊपर जो आप
दूसरे जिले नहीं देगा सकते, एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं ले जा सकते, जहां चाहे वहां बेच नहीं सकते, माल को मंडी में ले जाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपके पास इतना बढ़िया माल है, उत्पादन है कि आप विदेशों में भी उसको बेच सकते हैं, तो आसानी से उसके अनुमति आपको नहीं मिलती। और इसलिए जो व्यापार की नीति है किसानों के बारे में, उसके बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अभी आपने सुना कि किसी उद्योग पर सीमेंट उद्योग मान लीजिए, तो सीमेंट उद्योग के ऊपर कभी बंदिश है कि तुम यहाँ बेचोगे यहाँ नहीं बेचोगे, वो जहाँ चाहता है देश में बेचता है, जहाँ चाहता है विदेश में बेचता है। तो किसानों के ऊपर ये बंदिश है। और एक समय सरकार फैसला करेगी चीनी का निर्यात होगा, दूसरे साल फैसला करेंगे निर्यात नहीं होगा आयात होगा, कभी फैसला करते हैं प्याज का निर्यात होगा, कभी फैसला करते हैं प्याज का निर्यात नहीं होगा प्याज का आयात होगा। तो इससे जो नुकसान हो रहा उसके बारे में सोचने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने पाटिल जी को कहा, कक्कर जी को कहा, प्रशांत मुरांडे जी को कहा है, सारे साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये एक ऐसा मौका अभी आया है हमारे पास, जैसा कई लोगों ने कहा यहाँ बताओ में कि आने वाले साल में देश में चुनाव होंगे, कि हम किसानों की जो मांगे हैं उसके बारे में गंभीरता से बैठकर विचार करें और एक ऐसा खाता तैयार करें जिसमें सचमुच में किसानों के साथ आने वाले दिनों में इंसाफ हो। और केशव बच्चा जो यहाँ पढ़ा है उस तरह की परिस्थिति नहीं हो कि किसान की खुशी कर दे और बच्चे अनाथ। तो इसके लिए क्या करेंगे? और इन सब मामलों पर सोच विचार से हम लोग एक दस्तावेज तैयार करें और उस दस्तावेज को हम राजनीतिक दलों को दें, हर राजनीतिक क्या बताओ इस दस्तावेज के बारे में आप क्या सोचते हैं। और अगर वो कहते हैं कि बहुत ठीक ठाक है तो फिर हम उनसे कहेंगे कि आप अपनी पार्टी में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, क्या आप इसको स्वीकार करते हो, अपने मैनिफेस्टो में उसको डालो और उसके बाद तभी हमको भरोसा होगा कि आप सरकार में आओगे तो इसको इम्प्लीमेंट करोगे। और ऐसा नहीं होगा कि सरकार में आने के बाद कोई कह बैठेगा कि नहीं वो तो अपने चूल्हा था उसको भूल गए। तो इसलिए मैं विधायक पाटिल जी से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने हमारे प्रमुख साथी हैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि आइए मिलकर अभी तक जितना शोध हुआ है जितनी रिपोर्ट आई है उन सबको ध्यान में रखते हुए, जो वर्तमान परिस्थिति है धरातल उसको ध्यान में रखते हुए हम एक इस तरह का दस्तावेज तैयार करें जो कि हम देश के सामने रख सकते हैं कि किसानों और किसानी के लिए इस देश में क्या क्या कदम उठाने के लिए आने वाले दिन और उसको हम देश के सामने जब रखेंगे तो राजनीतिक दलों का भी ध्यान इधर जाएगा। अब वो सिर्फ नारे नहीं लिखेंगे अपने दस्तावेज में जो मैनिफेस्टो बनाए, नारे तो बहुत हो गए उससे काम नहीं हुआ, इसलिए उनसे हम एक अंडरटेकिंग लेंगे, एक वादा कराएंगे कि सरकार अगर बनी बनाई तो तुम इन सबको कार्यान्वित करोगे। तो मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रख रहा हूँ कि हम सब मिल बैठकर इसकी इस पर विचार करें, एक दिन का सवाल नहीं है, उस पर लंबा विचार करना पड़ेगा और बैठ कर महीने भर में 6 हफ्ते में हम एक दस्तावेज तैयार करें जिससे कि देश के किसानों को एक नया संवेदा उनके सामने आएगा और वो खुशहाल होंगे। अभी यहाँ पर जमीन अधिग्रहण की बात, मैं भी जिस क्षेत्र से आता हूँ बड़ी उपजाऊ जमीन है, दुर्भाग्य है उस जमीन के नीचे कोयला मिल गया, वो बड़ी उपजाऊ जमीन है जो 3 फसली 4 फसली है,
वो जमीन किसानों से लेकर अब एक कंपनी वहां पर कोयले का खनन करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने एक प्रस्ताव किया था कि हमें देश भर के एक लैंड यूज पॉलिसी बनानी, कितने शहर आगे बसेंगे, कहाँ बसेंगे, उद्योग कहाँ लगेगा, जंगल कहाँ रहेगा, मिट्टी कहाँ। ये 100 साल का हम एक प्लान तैयार करें और उस प्लान के अनुसार आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। तो जो खेती की जमीन है, अच्छी जमीन है, 3-4 फसली जमीन है, उसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए कि इस जमीन को हम अधिग्रहण इसका नहीं करेंगे, उसमें खेती। अभी यहाँ पर नोएडा के किसानों ने, गाजियाबाद और दिल्ली के किसानों ने, पूरे NCR के किसानों ने अपनी बात यहाँ पर रखी है, भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और जो नया कानून बना है जिसमें 4 गुना कीमत देने की बात है उसका लाभ नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये बात गैर कानूनी है और मैं उन किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम उस नाइंसाफी को नहीं होने देंगे और अगर आवश्यकता होगी मैं आपके साथ मिलने से सुविधा मिलाकर चलने को तैयार हूँ। इसलिए मित्रों, हमें संघर्ष भी करना होगा, हमें सोचना भी होगा, हमें योजना भी बनानी होगी और तभी एक संपूर्ण खाता हमारे सामने आएगा जिसको देखकर आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ सकते। मैंने तय किया है कि मैं किसी दल का सदस्य नहीं बनूंगा, इसलिए मैं अब केवल एक ही दल का सदस्य हूँ और वो है किसान दल। आपके साथ कहा है जब जब आवश्यकता पड़ेगी, देश में जहां पड़ेगी, मैं आपके पास आऊंगा।